तो थोड़ी सी दो मिनट की बातचीत करते हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जो सुबह से चले थे, इंतजार कर रहे थे लोग, और आज दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी खुले आम से, खुले चुनौतियों से यहाँ के जो और कैंडिडेट थे उनके ऊपर भी हमला करते हुए। तो आपने देखा होगा चिड़ियाघाट से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, अब कितना लंबा समय हो गया, अब तक लोग यहाँ पर तीनों चारों जगह बहुत तगड़ी भीड़ थी, और रास्ते के भी जो जो गांव बीच में आए हैं वहाँ पे नौजवान बूढ़े और माताएं बहने बहुत ज्यादा संख्या में, हर एक के अंदर जोश था, सभी इस बात के लिए मन बना रहे कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। तो बीजेपी के बारे में जिस तरह दीपेंद्र जी ने बताया किस तरह से बेरोजगारी सबसे ज्यादा की है, महंगाई सबसे ज्यादा की है, कानून कायदा खराब किया है, और सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ इस सरकार से हुई है। तो आज उम्मीद करते हैं लोग भी कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उस पर विश्वास करते हैं, आगे के लिए भी जिस तरह वायदे किए भी नौजवानों को रोजगार देंगे, बूढ़ों के पेंशन 6,000 रुपये देंगे, गरीब लोगों को पहले जिस तरह प्लॉट देते हैं उसी तरह देंगे, और बहुत अच्छा माहौल था। आपने खुद ने देखा इतनी भीड़ यहाँ चारों जगह, इतनी भीड़ थी जैसे अकेला यहाँ का सारे कॉन्स्टिट्यूंसी का जलसा हो रहा है, इस तरह का माहौल यहाँ पर। लोगों का इंतजार भी बता रहे, रात के 11 बज चुके हैं, लोग अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। चिड़िया से चले होंगे, काफिला जो है वो लगातार बढ़ता ही गया। हमारा काफिला जिस तरह से चिड़िया से करीब 5 बजे शुरू हुआ था, और वो अब देखो अब करीब 11 बजे, अब तक 6 घंटे हो गए, लोगों की उतना ही उत्साह, उतना जोश अभी भी। चुनावी यात्रा के दौरान आप चुनाव बीच में जा रहे थे, अभी आपके समर्थन के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं, रैली भी आगे होगी, लेकिन कैसे मजबूती, अब कितनी ज्यादा मजबूती आएगी? मजबूती तो पहले ही इलाके की जनता कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है और बीजेपी की सरकार से तंग है, और बाकी जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा जी ने बताया है कि वे किस तरह इन्होंने कांग्रेस किस तरह लोगों की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ी है, विनेश फोगाट है वो भी आई है, उसने भी बताया किस तरह उसके साथ जाती है, वहीं सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा उनको राहत मिली। तो आज यहाँ के लोग महसूस करते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, किसान जो 13 महीने तक बैठे रहे उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया, वो आज लोग इंतजार करते हैं कि 5 तारीख को हम उस चीज़ का बदला लें। आने वाले टाइम में कोई रैली भी होगी? तो जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली होगी, बारडा की इधर रैली होगी, और मैं तो ये रैली क्या कहता हूँ, रैला ही बनेगा, आप देख लेना। तो यहाँ पर आज जिस तरह चारों जगह हमारी भीड़ है, अगर एक जगह करते तो कहीं मेरे विचार में डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो लोगों ने तो चुनी रखा है, और जिस तरह से दीपेंद्र जी ने बताया भी, जैसे आप कहते ना कि दूसरे अपने आप को कहते हैं, उनके बारे में क्लियर कहा, सौमवीर सिंह तो मेरे पिताजी के पुराने दोस्त है, और उनको पूरा भरोसा है, पुरानी दोस्ती है, हमेशा एक नई बातें, और जहाँ तक दूसरा साथी है उसके बारे में साफ कहा है, क्लियर कट, क्योंकि ये तो खनन माफिया है, और 8 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद देख रहे जो जो ये खनन माफिया है उनका हम कानूनी तौर पर दिखाएंगे कि भी क्या क्या इन लोगों ने घपले किए हैं, उन चीज़ों को उखाड़ेंगे। क्लियर बात कही उन्होंने शुरुआत की थी कि मैं कांग्रेसी हूँ, भाई कांग्रेस से किस हिसाब से होगा, तुम 14 में तुरंत बीजेपी की मदद करिए, 18-19 में तुरंत बीजेपी की, 24 के अंदर धर्मवीर सिंह की मदद की है, तुम कई किस हिसाब से करो, अगर कांग्रेस से होते तो कांग्रेस के हाईकमांड का आदेश मानते, उन्होंने मेरे को टिकट दिया तो मानते हैं, ठीक है भाई जिसको दे दिया। आज 59 और भी थे साथी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो आदेश को माने और वो सपोर्ट कर रहे हैं सब की। धन्यवाद। तो ये सोमवीर सिंह जी थे जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली होगी, और आज इन लोगों ने दिखा दिया है, चिड़िया से जब काफिला चला था वो यहाँ पहुँचा था तो कितना समय लग चुका है, रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक इतना इंतजार कर रहे हैं, अगर एक समय ये रैली होती तो शायद ये रैली नहीं रैला बन जाता, लेकिन आने वाले समय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली होगी वो समय बताएगा, और जो लोग अन्य लोगों थे उनके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि समय आने पर उन लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने समय रहते किसके साथ क्या करने का काम किया। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।